दिमाग मनुष्य का सबसे पावरफुल वेपन है, क्योंकि पूरी ह्यूमन बॉडी ही यह छोटा सा पार्ट कंट्रोल करता है। खाने को पकाकर खाने के कारण ही हम बाकी सब जीवों से ज़्यादा विकसित हुए। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ इकांश और आप देख रहे हैं इकांश फैक्ट्स, जिसमें आज हम बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन और उससे जुड़े हुए टॉप 10 फैक्ट्स की। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक इंसानी दिमाग इतना पावरफुल होता है कि अगर इसके सभी टिश्यूज एक साथ काम करें तो 12 से 15 वाट के इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाया जा सकता है। और रिसर्चिस से पता चला है कि ह्यूमन ब्रेन किसी सुपर कंप्यूटर से भी 30 गुना ज़्यादा फास्ट होता है, क्योंकि दिमाग 1 सेकंड में 11 मिलियन बीट्स ऑपरेशन प्रोसेस कर सकता है। 2015 कोरा वेबसाइट के अनुसार हम 38,000 ट्रिलियन ऑपरेशन 1 सेकंड में परफॉर्म कर सकते हैं। इंसान का दिमाग सभी जानवरों के कंपैरिजन में सबसे बड़ा होता है, क्योंकि एक औसत इंसान के दिमाग का साइज उसकी बॉडी का 2% होता है, जो कि सभी मैमल्स में सबसे ज़्यादा है। जबकि हाथी के दिमाग का साइज उसकी बॉडी का केवल 0.15% होता है। हमारा दिमाग हमारे शरीर का केवल 2% हिस्सा है, पर फिर भी दिमाग 20% ब्लड और ऑक्सीजन यूज़ करता है। इसी के साथ साथ हमारी बॉडी का 60% फैट हमारे दिमाग में ही होता है। एक औसत इंसान एक दिन में तकरीबन 70,000 से भी ज़्यादा बातें सोचता है, और आश्चर्य की बात तो ये है कि उसमें से 70% थॉट्स नेगेटिव होते हैं। और साइंटिफिकली ये बात भी प्रूव हो चुकी है कि हमारा दिमाग दिन के मुकाबले आधी रात में ज़्यादा सक्रिय होता है। कुछ लोगों का मानना है कि दिमाग केवल 18 साल की एज तक डेवलप होता है, पर एक्चुअल में दिमाग 40 साल की एज तक ग्रो होता है। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि माइंड और ब्रेन दो अलग-अलग हिस्से हैं, और साइंटिस्ट आज भी ये पता लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि माइंड हमारी बॉडी में कहाँ एग्जिस्ट करता है। कुछ प्रक्रियाएं आपकी दिमागी क्षमता को बढ़ा सकती हैं, जैसे कि सही मात्रा में पानी पीने से आप ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, क्योंकि 1 गिलास पानी पीने से आपका दिमाग 14% ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। किताबें पढ़ने से भी आपकी दिमागी क्षमता बढ़ती है, क्योंकि जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो आपके ब्रेन में रिंकल्स डेवलप होते हैं, जिन्हें हम IQ भी कहते हैं। और जितने ज़्यादा आपके दिमाग में रिंकल्स होंगे, उतना ही बेहतर आपका IQ लेवल होगा। अगर कभी डॉक्टर आपके दिमाग की सर्जरी करे और उसके दौरान आपके दिमाग का आधा हिस्सा निकाल दिया जाए, तो आपकी मेमोरी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इसी सर्जरी के दौरान अगर आपके दिमाग में से एमिग्डला नाम के पार्ट को निकाल दिया जाए, तो आपको डर लगना बंद हो जाएगा। छोटे बच्चे ऑलमोस्ट सारा दिन सोते हुए बिताते हैं, क्योंकि लाइफ की उस स्टेज पर ब्रेन आपकी बॉडी का ऑलमोस्ट 50% ग्लूकोस यूज करता है। दिमाग को नुकसान पहुंचा सकने वाली बात भी सच है, क्योंकि दिमाग को अगर 5 से 10 सेकंड तक ऑक्सीजन ना मिले तो उससे आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है। और यही नहीं, अगर आपको 1 या 1.5 घंटे से भी ज़्यादा देर से लगातार पसीना आ रहा है, तो आपका ब्रेन आपको सिग्नल्स दे रहा है कि वो हाईली डैमेज हो चुका है। हम सभी ये जानते हैं कि टीवी देखना हमारी आंखों के लिए अच्छा नहीं होता, और इसी तरह से ज़्यादा टीवी देखना हमारे दिमाग के लिए भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि टीवी देखने से हमारी थिंकिंग पावर पर अफेक्ट पड़ता है। और ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से भी हमारे दिमाग में ट्यूमर होने का खतरा बढ़ जाता है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी हैं जो आपको डेली लाइफ में बाकियों से थोड़ा ज़्यादा बेहतर या स्मार्ट बनने में हेल्प कर सकती हैं, जैसे कि बात करते टाइम हाथों का यूज़ करने से आपकी मेमोरी इम्प्रूव होती है,
म्यूजिक सुनने से आपका इम्यून सिस्टम तक बेहतर हो सकता है क्योंकि इससे स्ट्रेस कम होता है और म्यूजिक आपके स्ट्रेस या पेन की रिकवरी में भी हेल्प कर सकता है। चॉकलेट की स्मेल आपको अच्छा फील करवा सकती है। अगर आपको बात बात पर आईब्रो रेज करने की आदत है तो आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि आप बाकियों से थोड़ा ज़्यादा क्रिएटिव हैं। तो ये थे हमारे दिमाग से जुड़े हुए टॉप 10 फैक्ट्स। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड बाय, टेक केयर।